अगर उसने किया नहीं तो भागा क्यों है, कहाँ वो? आज मेरी रनिया उसका सतवा छोड़ के दूसरा कमवा करने लगी सबका। आज मेरी रनिया का बुलंदिया का देख रही, अब तो आगे बढ़ जाएगी, इसके है मेरे रनिया के सवाई देश। तो उसने बोला कि क्या बोली रे तू, तुझे मैं गायब करा दूंगा। अच्छा। मैं तेरा मर्डर कर, मैं तू मुझे भी जानती नहीं, मैं तेरा मर्डर करवा दूंगा। तो मेरी रानी बोली ठीक है मैं आ रही हूँ, देखती हूँ तेरा कितना पावर है, तू मेरा मर्डर करा सकता है। कर दिया हमारे रनिया का कम, ये भी यही आ गया, ये बन गया काल, हमारे रनिया को ले गया। क्या समर सिंह वाली गाड़ी थी मेरी, समर सिंह का न्याय के देवता कहाँ है, कहाँ है बुलडोजर बाबा जो बोलते हैं हमारी गाँव की बहू बेटियाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? आकांक्षा दुबे के मामले में होटल का सीसीटीवी फुटेज पहली बार आया सामने। आखिर क्या है आकांक्षा दुबे की आखिरी रात का राज? आज के इस वीडियो में होगा बड़ा खुलासा। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत का मामला चर्चा के केंद्र में है। हर कोई इस मामले की सच्चाई जानना चाहता है। अभिनेत्री की मां ने आकांक्षा की हत्या का आरोप भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके एक सहयोगी संजय सिंह पर लगाया है। पुलिस ने समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। घटना वाले दिन से ही दोनों फरार हैं। उनकी तलाश में वाराणसी और आजमगढ़ से लेकर मुंबई तक पुलिस की टीम दबिश दे रही है। इसी बीच शुक्रवार को सारनाथ स्थित उस होटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहाँ के कमरे में आकांक्षा का शव मिला था। फुटेज में होटल के बाहर और अंदर सीढ़ियों पर आकांक्षा के साथ एक युवक दिख रहा है। दोनों रिसेप्शन काउंटर से होते हुए कमरा नंबर 105 की गैलरी तक आते हैं, फिर कमरे में चले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग पर गौर करें तो आकांक्षा के कमरे में ये युवक 17 मिनट तक रहा, फिर वो होटल से निकलकर अपनी कार में सवार होकर निकल जाता है। उस 17 मिनट में कमरे में क्या बातें हुई ये अब तक राज है। पुलिस ने उस युवक से पूछताछ कर छोड़ दिया है। बताया जाता है कि युवक आकांक्षा और इस मामले में समर सिंह का करीबी है। शुक्रवार को सारनाथ थाने पहुंची आकांक्षा की मां मधु दुबे ने इस पूरे प्रकरण का आरोप ही पुलिस पर गढ़ दिया। उन्होंने कहा कि शनिवार आधी रात के बाद जो युवक आकांक्षा को लेकर आया उसके कमरे में 17 मिनट तक रहा, आखिर पुलिस ने उसे छोड़ क्यों दिया? बीते शनिवार की रात आकांक्षा दुबे बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर कैब से होटल से निकली थी। रात 1:55 पर एक युवक आकांक्षा को उनके कमरे में छोड़ने गया था। युवक लगभग 17 मिनट बाद आकांक्षा के कमरे से बाहर निकला और फिर दरवाजा नहीं खुला। रविवार सुबह आकांक्षा का शव उनके कमरे में मिला। वो अपने बेड पर बैठी हुई थी और उनके गले पर पंखे के हुक के सहारे दुपट्टे का फंदा था। भदोही जिले के बरदहा गांव निवासी छोटेलाल दुबे की बेटी आकांक्षा दुबे भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए यहां आई थी। इस मामले में आकांक्षा की मां ने भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय के खिलाफ मुकदमा सारनाथ थाने में दर्ज कराया है। मौत से पहले शनिवार देर रात आकांक्षा इंस्टाग्राम पर लाइव भी हुई और रो रही थी। उनके रोने को लेकर प्रशंसकों ने सवाल भी पूछे थे। एक प्रशंसक ने रोने का वीडियो क्लिप बना लिया था। ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना के 6 दिन बीतने पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आकांक्षा दुबे की माँ और उनके परिजनों समेत अन्य समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्रवार को उन्होंने वाराणसी के सारनाथ थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से अभी तक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। आकांक्षा की मां ने होटल के मैनेजर पर भी घटना में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समर सिंह ने मेरी बेटी की जिंदगी ली है और मेरा हंसता खेलता परिवार भी उजाड़ दिया है। पुलिस पर पैसे लेकर समर सिंह को बचाने का भी आरोप लगाया है। मधु दुबे ने कहा कि आकांक्षा का आखिरी लाइव वीडियो सभी ने देखा, इसमें साफ दिख रहा है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, मेरी बेटी को थप्पड़ मारा गया है। मैंने समर सिंह और संजय के खिलाफ शोषण, मारपीट, धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगाए और तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि जिस तरह से अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसे लेकर के अब आगे की कार्रवाई जोर पकड़ती हुई नजर आएगी।